नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के क्वार्टर फोर के नतीजे के बारे में, किस तरीके का रहे नतीजे और कल क्या इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने मिलेगा नतीजों के लिहाज से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोर्ड की जो मीटिंग होती हुई दिखाई दी, वहां पे रिकमेंड किया गया है डिविडेंड का और यहाँ पे कंपनी 36 रुपए पर शेयर का डिविडेंड जो है वो देती हुई दिखाई दे। 2 रुपए की फेस वैल्यू पर अगर आप देख रहे हैं, 1800% का डिविडेंड जो है वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। पेमेंट डेट जो है वो 26 या 27 जुलाई के आसपास की देखने को मिल सकती है और जो इसके लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है 21 जून 2024 की। तो ये है डिविडेंड का नंबर जो कि एक रीजनेबल नंबर देखने मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नतीजों की, तो यहाँ नतीजे किस तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंड लोन फाइनेंशियल नंबर, जिसको हम यहाँ पे रीड करते हुए दिखाई देंगे, करोड़ में सारे आंकड़े हैं। और इस क्वार्टर में अगर सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का आंकड़ा 11,200 करोड़ के आसपास का देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 10,590 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। साल दर साल देखें तो 8,283 करोड़ से आंकड़ा बढ़ के 11,200 करोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम अगर आप देख रहे हैं 12,764 करोड़ की आती दिख रही है, जो कि पिछले साल 9,719 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 12,104 करोड़ था। तो साल दर साल बोले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोले, आपको नंबर में एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखने मिल रही है। एक्सपेंस के लिहाज से अगर आप देखते हैं इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस कितनी होती दिख रही है, 8,197 करोड़ की एक्सपेंस है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,800 करोड़ के आसपास थी। लास्ट ईयर हम देखें 5,890 करोड़ के आसपास की एक्सपेंस थी। तो साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस में भी एक अच्छी खासी बढ़त हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 4,566 करोड़ और टैक्स एक्सपेंस निकालने के बाद इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट का आंकड़ा आता है वो दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,401 करोड़ का नंबर देखने मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर कहा जा सकता है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 3,177 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी बढ़त है। साल दर साल देखें तो 2837 करोड़ से आंकड़ा बढ़ के 3,400 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नंबर में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा कि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, इनलाइन नंबर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें, 55 रुपए के आसपास की ईपीएस इस बार आती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले बार थी 52 रुपए के आसपास की और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 46 रुपए 95 पैसे की ईपीएस थी। तो साल दर साल भी ईपीएस बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस बढ़ी है, क्योंकि आपको मुनाफा बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें आज के दिन स्टॉक प्राइस के लिहाज से, तो आज स्टॉक बिल्कुल नेगेटिव साइड में थोड़ा जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। वोलेटाइल बहुत था आज के दिन स्टॉक, सुबह एक तेज गिरावट भी देखने मिली थी, 7,125 का लो लगा था, हालांकि क्लोजिंग जो है 7,300 के आसपास 7,294 पे देखने मिली, 0.5% स्टॉक कल के लेवल से गिर के बंद होता हुआ दिखाई दिया। 7,364 का हाई जो था वो लगता हुआ दिखाई दिया था इंट्राडे में। अब कल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 7,300 7,350 का, जिसके पार अगर ये निकलता है तो आपको एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है और स्टॉक फिर कहीं ना कहीं आगे चल के और बड़ा मूव दिखा सकता है। वॉल्यूम आज अच्छे देखने मिले, लगभग 1,100 11,73,000 शेयरों के आसपास के। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छे खासे वैल्यूएशन पे चलता हुआ दिख रहा है, हालांकि अब जो कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4,51,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ईपीएस भी अगर आप देख रहे हैं 222 के आसपास है। अब इस बार की जो ईपीएस आई एडजस्ट होगी कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो आपको पीई भी एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी 32-33 के आसपास के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्राइस टू बुक देख रहे हैं 8.31 के आसपास की चलती दिख रही है। चार्ट्स पे कल के दिन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होता हुआ दिखाई देगा, तो दोस्तों यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक वेट एंड वॉच के मूड में है। ब्रेकआउट से पहले 73-73.50 का जो लेवल है वो पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल में हमने देखा था अप्रैल की शुरुआत में एक अच्छी खासे लेवल देखने मिले थे, उसका एक बड़ा करेक्शन भी आया था, लेकिन 4-5 दिनों में यहाँ पे निचले लेवल से एक बाउंस आता हुआ दिखाई दिया 6,800 के लेवल से। 200 EMA के स्टॉक ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वो सारे ही 200 EMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्टॉक आज जो है 73 के आसपास जो है 7,300 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन अगर स्टॉक 7,350 के ऊपर खुलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक तेज बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी का जो हैंगओवर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया आज के दिन, कल से नई सीरीज की शुरुआत है। तो आपको कल के दिन तक यहाँ पे 7,700 से 7,800 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे इसको पॉजिटिव रिएक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नतीजों के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव या डाउन मूव आता है 4 से 5% का। तो अगर यहाँ से आप 4 से 5% का मूव लेके चलते हैं तो 7,600 7,700 8,800 तक के आराम से रेंज जो है आपको ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। और डाउन साइड में अगर किसी तरीके की कोई सरप्राइज देखने मिलती है
तो यहाँ पे 6800 6900 एक सपोर्ट जोन के रूप में कारोबार करता हुआ दिख सकता है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। अब देखने वाली चीज होगी कल ये स्टॉक किस तरीके से मूव करता है। आपको क्या लगता है, कल स्टॉक पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।